नमस्कार, आप देख रहे हैं आर मीडिया। मैं हूं आपके साथ अनमोल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं बोरिंग कैनाल रोड में और यहां पे ये आनंदपुरी जगह है जहां पे माँ दुर्गा का प्रतिमा बना हुआ है। ये केदारनाथ के थीम पे यहां पे पूजा पंडाल बनाई गई है केदारनाथ मंदिर के थीम पे, और यहां पे काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है माँ दुर्गा का प्रतिमा। आपको बता दें कि हर बार माँ दुर्गा महिषासुर का वध करते हुए प्रतिमा बनाया जाता है, लेकिन इस पूजा पंडाल में माँ दुर्गा कोरोना वॉरियर को सम्मानित करते हुए नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन को कहेंगे कि फोकस करें वहाँ पे और दिखाएं कि कैसे माँ दुर्गा कोरोना वॉरियर को सम्मानित कर रही हैं। पुलिसकर्मी हो या डॉक्टर हो या सफाईकर्मी हो, यहाँ पे ये दृश्य दिखाया गया है कि माँ दुर्गा सम्मानित करते हुए नज़र आ रही हैं। आइए, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं माँ के प्रतिमा को देखने के लिए, और यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी बात करने की कोशिश होगी और जानेंगे कि ये पूजा पंडाल की क्या विशेषता है और इस पूजा पंडाल में आके इनको कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं और इस पूजा पंडाल को देख रहे हैं। सर, आप इस पूजा पंडाल में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है इस पूजा पंडाल का दृश्य देख? इस पूजा पंडाल की विशेषता क्या है? जी, विशेषता है कि हर साल यहाँ यूनिक थीम पे बनाया जाता है। कुछ ना कुछ जो साल का जो रिसेंट करेंट इश्यू होता है, प्रॉब्लम होता है, उससे रिलेटेड मूर्तियाँ बनाया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है वहाँ, वो अपने हाथ में एक पर्चा लिया हुआ है। आइए हम जानते हैं इस पर्चे का क्या महत्व। बाबू, इस पर्चे का क्या महत्व है? मनोकामना पत्र। अच्छा, इस पे कुछ भी लिखने से मनोकामना पूर्ण होती है? इसको लोग कैसे कर रहे हैं, इस पे लिख के इसमें डाल रहे हैं? तो यहाँ पे एक मनोकामना पत्र है जिस पे लिखा जा रहा है और इसको इस पेटी में डाला जा रहा है। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे आने पे इन लोगों को कैसा लग रहा है और इस पूजा पंडाल की क्या विशेषता है। ये आनंदपुरी पूजा पंडाल के कार्यकर्ता हैं, व्यवस्थापक हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जैसे कि केदारनाथ के तर्ज पे यहाँ पे जो पूजा पंडाल बनाया गया है, इस पूजा पंडाल की क्या विशेषता है? ये अभी इस साल पटना का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। केंद्र इसलिए है क्योंकि मूर्ति जो हमने बनाया है उसे पूरी तरह समर्पित किया है कोरोना वॉरियर्स को। आपने देखा होगा हमारा जो मूर्ति बना है उसमें आप देखेंगे कि जो दुर्गा माँ है वो डॉक्टर को सम्मानित कर रही हैं, उन्हें ताज पहना रही हैं। इस तर्क पे हमने अपना मूर्ति बनाया। लक्ष्मी जी जो हैं वो देखिएगा पुलिस अधिकारी को सम्मानित कर रही हैं, ताज पहना रही हैं। वहीं जो हमारी सरस्वती माता हैं वो सफाई कर्मी जो हमारे बंधु हैं उनको सम्मानित कर रही हैं, उनको ताज पहना रही हैं। लोगों की भीड़ कैसी जुट रही है यहाँ पे? अपेक्षा से बहुत ज़्यादा, हमें इतना भीड़ होने का अपेक्षा नहीं था। भीड़ होगा उम्मीद था, पर इतना होगा कोरोना के टाइम में ये उम्मीद नहीं था। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। प्रशासन के द्वारा जो नियम लगाया गया है उसको लेके आपके द्वारा क्या यहाँ पे व्यवस्था किया गया? आप भी सुन रहे होंगे, हम लोग लगातार ये अनाउंस कर रहे हैं कि जो भी हमारे श्रद्धालु पंडाल परिसर में घुस रहे हैं वो मास्क पहन के ही घुसे। अगर उनके पास किसी कारणवश मास्क नहीं है तो वो दुकान से खरीद सकते हैं। अगर वो सक्षम नहीं है उसके लिए भी, तो हमने मास्क यहाँ रखा है जो हम फ्री में बांट रहे हैं। इस पूजा पंडाल की लगभग लागत क्या होगी? इसका लगभग लागत 10 से 15 लाख रुपया पड़ता है पूरा पूजा का आयोजन में, प्रसाद उरसाद लेके। ये बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे भी हमारी जानने की कोशिश होगी और हम जानेंगे। सर, यहाँ पे लोगों की भीड़ कैसी जुट रही है? बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, अराउंड 4 to 5 लाख लोग आएंगे, आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और कुछ श्रद्धालु हैं इस पूजा पंडाल को देखने के लिए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूजा पंडाल को लेकर उनकी क्या राय है और उनको कैसा लग रहा है ये पूजा पंडाल देख के। मैम, आप यहाँ पे आई हैं, आपको कैसा लग रहा है पूजा पंडाल को देख? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक आकर्षण का केंद्र है कि माँ दुर्गा, हर बार देखा जाता है कि माँ दुर्गा महिषासुर का वध करते हुए नजर आती है, लेकिन इस पूजा पंडाल में माँ दुर्गा डॉक्टर को सम्मानित करते हुए नजर आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, इसलिए कि कोरोना का समय है इसलिए डॉक्टर का उपयोग किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हमारी बात करनी है कुछ। सर, यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सद्भावना। अच्छा, यहाँ पे जो ये नया चीज़ दिखाया गया है कोरोना को लेके, एक संदेश दिया जा रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? कोरोना का तो गाइडलाइंस करना चाहिए, लेकिन पहले से बहुत ठीक है, डरने की बात नहीं है, बहुत सुधार है, बहुत सारे लोग वैक्सीन ले लिए हैं और उसमें हम लोग का सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे और भी कुछ लोग आए हुए हैं पूजा पंडाल को देखने, उन लोगों से भी हमारी बात करने की कोशिश रहेगी और जानने की कोशिश रहेगी कि जो कोरोना को लेके यहाँ पे जो संदेश दिया जा रहा है इसको लेके उन लोगों का क्या राय है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, नीरज चोपड़ा का तस्वीर यहाँ लगाया गया है, भैया सेल्फी ले रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं, सर ये सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। इस पूजा पंडाल की जो विशेषता है इसको लेके आप क्या कहेंगे? केदारनाथ का बनाया गया, बहुत बढ़िया है।
कैसा लग रहा है जैसे कि माँ दुर्गा कोरोना वॉरियर को सम्मानित करते हुए इस दृश्य में नजर आ रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम थे अभी इंद्रपुरी में, जहाँ पे माँ अनंतपुरी में हम थे अभी, और जहाँ पे माँ दुर्गा का बहुत ही आकर्षक दृश्य बना हुआ है। आप देख रहे थे आर मीडिया पटना से, मैं अनमोल तिवारी।